हेलो, आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का प्रणाम। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मौन का महत्व। इसको लिखे हैं कृष्ण खन्ना। मौन का अर्थ प्रायः वाणी को विश्राम देने के रूप में समझा जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मौन की आदर्श व्यवस्था वही है जब हम अपने मन पर भी अंकुश लगाने में सफल हो सकें। वास्तव में हम जो भी बोलते हैं उसमें वाणी तो शब्दों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भर बनती है, जबकि उन विचारों की उत्पत्ति मन में ही होती है। ऐसे में यदि वाणी पर अंकुश लगा लिया और मन निरंकुश रह गया तो भला यह कैसा मौन रहा। इसमें तो विचार भीतर ही भीतर और घुट भी सकते हैं। अभिष्ट की प्राप्ति के बजाय इसमें अंतस में कोलाहल और बढ़ सकता है। इसलिए यदि मौन व्रत का संकल्प लेना है तो वाणी के साथ साथ मन की गति पर भी विजय प्राप्त करनी होगी। गौतम बुद्ध ने मौन की महत्ता इस प्रकार बताई है। संसार एक विडंबना है। विडंबनाओं के कारण मनुष्य असंतुष्ट, निराश, अवसादों के चक्रव्यूह में अनुकूलता और प्रतिकूलता के मकड़ जाल में जन्मांतर से फंसा हुआ है। इन झंझटों से मुक्ति चाहते हो तो प्रत्येक स्थिति में शांत रहकर परिस्थिति को समझो और चुप्पी साधो। हर बात में तर्क और त्रुटियां देखोगे तो विवाद बढ़ेगा। विवाद का समाधान संवाद है। आवश्यक नहीं कि सदा बोलते ही रहा जाए। अग्नि समान क्रोध और घृणा से मुक्त होने के एकमात्र उपाय मौन धारण है। वस्तुतः मौन अवस्था कठोर साधना है। यह साधना बहुत फलदायी भी होती है। कई परिस्थितियों में मौन हमें अप्रिय और असहज स्थितियों से बचा लेता है। जैसे जब किसी के साथ हमारा टकराव होता है तो सामने वाले के कटु वचनों के प्रत्युत्तर में हम भी और कड़े जवाब देने के लिए तत्पर होते हैं। इससे परिस्थितियां और बिगड़ती हैं। कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि बाद में मन के भीतर वेदना होती है कि ऐसा कहा ही क्यों। संबंधों में भी कटुता बढ़ जाती है। टकराव की ऐसी स्थिति में मौन बहुत फलदायी होता है। बहुत मौन भी एक प्रमुखर अभिव्यक्ति सिद्ध होता है।